नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन कुमार स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आया हूं TVS के शोरूम और आज हम बात करने वाले हैं बाइक अपाचे 310RR। सो दोस्तों, मेरे पीछे खड़ी हैं TVS अपाचे 310RR और आज मैं इन दोनों बाइक्स का रिव्यू करूंगा। दोनों बाइक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दिखने में बाई लुक वाइज, क्योंकि एक जो बाइक मेरे राइट हैंड साइड खड़ी है वो फुल फेयरिंग बाइक है और दूसरी जो बाइक मेरे लेफ्ट हैंड साइड खड़ी है वो नेकेड बाइक है बिल्कुल। तो आज मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करने वाला हूं। आइए मैं आपको दिखाता हूं इसके लुक्स और उसके बाद हम बात करेंगे इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इसके फ्रंट लुक के बारे में। आप देख सकते हैं कितना इटालियन डिज़ाइन वाला फ्रंट लुक है इसका, फुल फेयरिंग का। आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पर, ये विंडशील्ड लगा हुआ है। ये जो विंडशील्ड है ये एडजस्टेबल नहीं है, ये फिक्स विंडशील्ड है यहाँ पर जो एयर को कट करता है। साथ ही साथ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स लगे हुए हैं, ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। दूसरा ये लगा हुआ है, ट्विन लाइट है और साथ ही साथ ही वाइट कलर की जो LEDs लगी हुई हैं ये बहुत शानदार लाइट देती हैं। इस लाइट को लेके तो बहुत सारे सेटिस्फेक्शन हैं काफ़ी सारे कस्टमर के कि हाँ ये तो रात को बिल्कुल जन्नत जैसी लाइट देती है। बिल्कुल मान लीजिए दिन हो गया, ये छोटे छोटे इंडिकेटर्स LED इंडिकेटर्स लगे हुए हैं। सो दोस्तों, बाइक को आप इस तरफ से देखेंगे, इसमें फ्रंट सस्पेंशन 41 इंच के टेलीस्कोपिक सस्पेंशन लगे हैं गोल्डन कलर में, बहुत शानदार दिख रहे हैं। अंदर आप देखेंगे रेडिएटर लगा है क्योंकि ये बाइक ऑयल कूल्ड है। ट्विन हॉर्न भी दिए हुए हैं शानदार, 110/70 ZR 17 इंच के व्हील हैं इसके। ट्यूबलेस टायर है रेडियल, ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे कि लिखा हुआ है रेडियल ट्यूबलेस टायर, मिशलिन कंपनी के हैं, बहुत अच्छी और शानदार कंपनियों में से एक है। साइड मिरर्स जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी फोल्डेड है ये। सो फ्रेंड्स, बाइक का लेफ्ट साइड का प्रोफाइल देखिए, फुल फेयरिंग अपाचे लिखा हुआ है शानदार, RR310 की बैजिंग रेड कलर से। अब हम इसके इंजन स्पेसिफिकेशन पे जाते हैं, रेड कलर से चेसी, रेस स्पेक लिखा हुआ है और भी डिटेल मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। 312.2 cc SI 4-stroke 4-valve सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड रिवर्स इंक्लाइंड इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 27.3 Nm टॉर्क एट 7700 RPM पे। इस बाइक में आपको मिलेंगे 6 स्पीड गियर, 1 डाउन 5 अप। में फुल स्टैंड मिनी स्टैंड होता नहीं है, ये आप देख रहे हैं साइड स्टैंड पे गाड़ी खड़ी है। ये ऑयल फिलिंग कैप है इस तरफ से, ये जो प्लास्टिक का जो ये बना हुआ हिस्सा जिसमें चेन कवर है, मडगार्ड के दो हिस्से कवर दिख रहे हैं यहाँ पे आपको और शानदार मजबूत सा चेन दिख रहा है आपको। ये टायर प्रेशर वगैरह यहाँ पे लिखे रहते हैं कितना टायर प्रेशर होता है। ये इंडिकेटर्स छोटे छोटे से दिख रहे हैं, ये सेफ्टी फीचर्स के लिए यहाँ पे ये रिफ्लेक्टर दिया हुआ है, एक रिफ्लेक्टर ये इस तरफ भी है ऑरेंज कलर का, इस तरफ भी ऑरेंज कलर का रिफ्लेक्टर है, ये इंडिकेटर है। ये टेल लाइट देखेंगे आप, यू शेप का ऐसा टेल लाइट है, बहुत शानदार सा भी चलेगा, मैं आपको जला के दिखाता हूँ। सेफ्टी फीचर्स की बात करें और रियर दोनों में, और साथ ही साथ इसमें मिलेगा आपको ABS जो इंक्लूडेड है, ड्यूल चैनल ABS मिलने वाला है। आप इस तरफ से देखें इस बाइक को, फुल फेयरिंग अपाचे लिखा हुआ है, DOHC डिवाइस इंक्लाइंड इंजन का जो टाइप है वो दिखा इसमें। साइलेंसर आप देख सकते हैं, यहाँ से साइलेंसर ऐसा गया नीचे मुड़ के आके, ये साइलेंसर है। अब हम बात करते हैं इसके सस्पेंशन के लिए भी कि मोनो शॉक सस्पेंशन लगा हुआ है सिंगल, 17 इंच के टायर ये भी हैं। हाँ, ये लिखा हुआ है रियर टायर साइज़, यहाँ से ज़रा छुप रहा है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, 150/60 ZR 17 ये लिखा हुआ है, 17 इंच का टायर है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो इसकी है वो 11 लीटर की है, 11 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। एग्रेसिव दिखने में है, बहुत ही अच्छा 3D एम्बलम बना हुआ है ये हॉर्स का, राइडर का। ये बैजिंग दिख रही आ रहा 310 यहाँ पे, E20 इथेनॉल के साथ पेट्रोल जो आता है वो है। अब हम इसका इग्निशन ऑन करके दिखाते हैं दोस्तों आपको, ये चाबी हमने ऑन की, इग्निशन ऑन हुआ इसका। ये देखिए इग्निशन किस तरह से, एक लगता है कि सीधा सीधा मोबाइल फ़ोन है, इतना बड़ा डिस्प्ले है, ये बहुत शानदार दिख रहा है बिल्कुल। ये यहाँ पे इंजन का है, ये ABS का सिग्नल आ रहा है, ये न्यूट्रल फ्यूल कम है उसका सिग्नल आ रहा है, टाइम यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये RPM है। इसके अलावा ये फ्यूल की, ये किलोमीटर कितना चल रहा है गाड़ी स्पीड के हिसाब से, अभी न्यूट्रल में हैंड लिख के दिखा रहा है। साइड स्टैंड है, किल स्विच है, लो फ्यूल है, टेम्परेचर है, ये सारी चीज़ें यहाँ लिख के दिखा रही हैं। और आप देखेंगे यहाँ पे ये क्लच लीवर है, ये हेडलाइट के अप एंड डाउन के लिए इसके सिस्टम जो है वो ऐसा है कि देखिए ये आप देख रहे हैं सिंगल स्विच,
यहाँ पे स्ट्रेट है, लोअर है, स्ट्रेट है, तो ये इसको आप ऐसे अगर प्रेस करते हैं तो ये पास आएगा, और सीधे ऊपर कर देंगे तो ये अपर हो जाएगा, और बीच में अगर रहेगा ये तो ये लोअर रहेगा। ये सेटिंग्स दी गई हैं गाड़ी में टाइमिंग और बाकी चीज़ों को सेट करने के लिए। ये इंडिकेटर स्विच है, ये हॉर्न है, ये दिख रहा होगा आपको, ये स्टार्ट होने के साथ साथ किल स्विच भी इसी में इंक्लूड है। ये देखिए, ये यहाँ पे सीधे हमने स्टार्ट किया गाड़ी को और ये यहाँ पे किल कर दिया। नीचे दिखाता हूँ, जैसे मैंने आपको बोला था टेल लाइट, तो लाइट जल्दी कैसा दिख रहा है। देखिए बहुत शानदार टेल लाइट इसका दिख रहा है, बिल्कुल मस्त एग्रेसिव टाइप का। इसका फ्रंट लुक आपको दिखाते हैं हेडलाइट ऑन होने के। देखिए फ्रंट लुक लाइट कितनी शानदार दिख रही, तेज़ है बिल्कुल लाइट, मोबाइल में अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है। के बारे में, इन दोनों बाइकों में इंजन स्पेसिफिकेशन सेम है, इसकी बॉडी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जिस तरह आप यहाँ देखते हैं कि फुल फेयरिंग है गाड़ी में, उस तरह आप यहाँ देखेंगे कि कुछ भी नहीं है फेयरिंग वेयरिंग के नाम पर। लाइट्स बिल्कुल चेंज है, पूरा कवर्ड हैंडल है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ देखेंगे कि ओपन हैंडल दिया हुआ है, ऊपर मीटर उठा हुआ है, मिरर ऊपर हैंडल्स पे लगे हुए हैं, इसके मिरर्स वाइज़र पे लगे हुए हैं, मीटर जो है कंसोल वो वाइज़र के अंदर है। बोट एक्सपेक्ट देखिए सेम डिज़ाइन का, सस्पेंशन दोनों के सेम गोल्डन, वही 41 इंच टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, ड्यूल टोन हॉर्न दोनों बाइकों में लगा हुआ है, रेडिएटर लगा है, इसमें ब्लैक कलर का रेडिएटर है, उसमें सिल्वर कलर का रेडिएटर है। ये देखेंगे ऑयल फिल्टर ये लगा हुआ है, जिस तरह से कारों में रहता है, बाइक को पहली बार देख रहा हूँ मैं, बहुत ही अच्छा दिख रहा है, ये अट्रैक्टिव है बिल्कुल दिखने में। स्मार्ट कनेक्शन इसमें लिखा हुआ है, इन दोनों बाइकों में स्मार्ट कनेक्शन है, आप अपने फ़ोन को इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, काफ़ी सारे डिवाइस अच्छे से कनेक्ट होकर उस पर प्ले हो सकते हैं। इंजन डिस्प्लेसमेंट वही है 312.2 cc। आप देखेंगे इसमें बैजिंग लिखा है टंक, ये इसके फ्यूल टैंक पे अपाचे सिल्वर कलर का ये एम्बलम बना हुआ है हॉर्स का, DOSC वही इंजन है सेम। ये टंकी के ऊपर यहाँ पे प्लेस है, तो मैंने ऑन किया और ये देखिए मीटर स्टार्ट हो गया आपका, बैजिंग आ रही 1982 TVS रेसिंग। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें लिखी, वेयर हेल्म गियर, राइड मोड एरर, बहुत सारी चीज़ें लिख लिख के आ रही है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी में। ये फ्यूल के लिए, इंडिकेटर के लिए TC, पता नहीं क्या बोल सकते हो, ये इंजन के लिए है कि ABS, लो फ्यूल साइड स्टैंड 0.05 0 to 60 की स्पीड पकड़ ली, टॉप स्पीड 113 है, ऑडोमीटर 1 किलोमीटर, रेंज अभी बिल्कुल ज़ीरो है, फ्यूल रेड कलर का दिखा रहा है आपको यहाँ पे, टेम्परेचर है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो कर रही हैं। और सेम स्विचेस जो हैं वो दोनों गाड़ी में सेम है यहाँ पे, इसमें थोड़ा सा कुछ चेंज दिया हुआ है, ऑन ऑफ करके लिखा हुआ है ये यहाँ पे, और ये है वही स्विच, किल स्विच भी है, स्टार्ट भी है इलेक्ट्रिक स्विच। टेल लाइट इसका देखेंगे आप, बिल्कुल टेल लाइट डिफरेंट है, तो पॉइंटिंग टेल लाइट दिख रहे हैं इस बाइक में आपको, और इंडिकेटर जो है वो ऊपर बिल्ट नहीं है, नीचे है टायर के पास लगे हुए हैं, बहुत सुंदर एक लुक दे रहा है। इसका मतलब है कि ये बहुत एग्रेसिवली हाइपर होकर तुरंत एक्टिव हो जाती है, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है। और ये रेस स्पेक लिखा है, मतलब अगर आप इसको चलाते हैं हाईवे में तो इसकी स्पीड किल कर देगी बिल्कुल, मतलब बहुत ज़्यादा धमाकेदार धुएँदार स्पीड रहेगी इस बाइक की। अब मैं आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ, उसके बाद हमने यहाँ पर इसका स्विच लिया और सीधे इसे स्टार्ट किया। देख सकते हैं, आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ मैं, बहुत एक और बहुत ही शानदार इसका आवाज़ था। दोनों बाइकों में सेम कैसी दिख रही है और नेकेड की लाइटिंग कैसी दिख रही है। सो दोस्तों, मैंने आपको इस बाइक के बारे में एक फुल रिव्यू देने की पूरी कोशिश की, जो कि अपाचे 310RR है। आप देख सकते हैं मैंने दोनों बाइक्स के बारे में आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है, एक फुल फेयरिंग के साथ और एक नेकेड बाइक है। दोनों के स्पेसिफिक डिटेल्स, लुक्स मैंने सब कुछ शेयर किया आपके साथ। और भी मुझे जो और इस बाइक का प्राइस है 2,72,000, ये चेंज होता है आपके स्टेट और सिटी के हिसाब से। कंटेंट अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।